जैसी सूरत वैसी सीरत, उठते बैठते सोते जागते, बस एक ही जुनून, बस एक ही लक्ष्य, बस एक ही ख्वाब। देश का छोटा व मंझला किसान कैसे रहे खुशहाल, धरती माँ का आँचल न छिने, शहरी पलायन कैसे थमे, पर्यावरण से नहीं होनी चाहिए कतई छेड़छाड़, पेस्टिसाइड्स को कहें अलविदा। ये चुनिंदा सवाल हमेशा कौनते रहते हैं धरती के सच्चे सपूत, आर्गेनिक फार्मिंग के प्रहरी, नेचर लविंग पद्मश्री श्री भारत भूषण त्यागी के दिलो दिमाग में। मॉडर्न एग्रीकल्चर की इस हस्ती को आप देखेंगे तो शायद पहचान भी ना पाएं। हल्की सफ़ेद दाढ़ी, आँखों में गजब सी चमक व ऐनक, चेहरे पर आत्मविश्वास, खादी का कुर्ता, खादी का पायजामा, जैसी वेशभूषा वैसी ही सादी चप्पल। लेकिन आर्गेनिक फार्मिंग के इस जादूगर को मल्टीपल खेती का भी दूत कहा जाता है। वो हाल ही में TMU के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में अतिथि व्याख्यान देने आए थे। अति व्यस्तता के बीच पत्रकारों से उन्होंने गुफ्तगू भी की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोले कि जब मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की तब मेरे परिवार वालों ने खेती करने के लिए कहा। उस समय मुझे खेती के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात ज़रूर पता चली कि शुद्ध भोजन, हवा और पानी, ये मनुष्य की मौलिक ज़रूरतें हैं। साथ साथ लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना गांव में ही ऐसा विकल्प खोजा जाए जिससे पलायन से बचा जा सके। मुझे खेती करने की प्रेरणा माता पिता से मिली। बोले, उत्तर प्रदेश में 100% आर्गेनिक खेती होने लगेगी। आर्गेनिक खेती समझ के साथ की जाए। काश्तकारों ने अभी तक इनपुट्स पर काम किया है, मतलब अभी तक हम खेती को बाज़ार से जोड़ते थे, लेकिन खेती को सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ें तो बहुत जल्द ही काश्तकारों की किस्मत बहुर जाएगी। छोटे किसान आर्गेनिक खेती को महंगा ना समझें, बल्कि इसको वरदान समझें। हम खेती की सभी चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन आर्गेनिक खेती में आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्गेनिक खेती में लागत ख़रीदनी नहीं है, ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, इनपुट मैनेजमेंट नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये छोटे किसानों के लिए वरदान है, ये मध्यम दर्जे के किसानों के लिए भी ये योजनाएं वरदान हैं। तो उनके मन में था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद आदमी के अंदर एनालिसिस बढ़ जाता है और वो दुनिया को अपनी नज़रों से ठीक ढंग से देख पाएगा। इसी बीच में उन्होंने कहा कि अब विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई और वापस आओ, खेती करो। तो उस समय तक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि धीरे धीरे ये बात अभ्यास करते हुए जाता हुई कि शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण, ये मनुष्य की मौलिक ज़रूरत है। और साथ साथ में गांव यदि बराबर शहर की तरफ दौड़ते रहेंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? शहरों की ये क्षमता नहीं है, तो हमको शहर में, गांव में ही वो विकल्प तलाशने होंगे ताकि गांव के लोग आसानी से, स्वावलंबी तरीके से, सम्मानजनक तरीके से गांव में रह सकें। तो प्रेरणा माता पिता से मिली और बाकी भी समाज के बहुत सारे ऐसे सज्जन लोग थे जिनसे मैं बराबर प्रेरित होता था। सर, एक और सवाल, जैसे पूर्वोत्तर में 100% ऑर्गेनिक खेती होती है, अब उत्तर प्रदेश में आप ऐसा क्या नया लाना चाहते हैं? मतलब आप कब तक सोचते हैं कि यहाँ पर भी 100% ऑर्गेनिक खेती होगी? देखिए, ऑर्गेनिक खेती में एक नई बात निकल कर आई कि ये समझ के साथ होती है। हम प्रकृति की व्यवस्था को जितना समझते जाते हैं उतना ही उसका जीना आसान हो जाता है। अभी तक हमने इनपुट्स पर काम किया था, इनपुट का मामला था कि बाज़ार से जोड़ दें, लेकिन अब खेती को बाज़ार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। खेती को सीधे सीधे हम प्रकृति की व्यवस्था से जोड़ें और उसमें से अपनी उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो बदलाव के लिए जो प्रश्न उठ रहा है बार बार कि कितने दिन में देश बदल जाएगा या कोई जगह बदल जाएगी, तो जहाँ ज़्यादा पीड़ा और वहीं बदलाव की भूख ज़्यादा, इसका सिद्धांत है। तो जो जितने मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ों में जहर बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ हमको संकेत दे रही हैं कि अब हमको बदलाव की ज़रूरत है। छोटे किसान होते हैं, वो समझते हैं कि ऑर्गेनिक खेती जो है वो महंगी है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक हम बाज़ार से हमको पुरानी अभ्यास हो गया कि हम बाज़ार से लागत खरीदते हैं और खेती में प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में लागत खरीदनी नहीं है, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये इनपुट मैनेजमेंट नहीं है।
तो ये सवाल ही नाजायज है और ये लोगों ने मिथक के रूप में ऑर्गेनिक के नाम पर खड़ा कर दिया था। अब यदि सही ढंग से देखेंगे तो जो लोग समझेगा वो खेती करेगा। इसमें श्रम नियोजन के आधार पर छोटे किसानों के लिए तो वरदान ही है, छोटे और मध्यम किसानों के लिए तो ये योजना ही वरदान है। करना क्या होगा कि जैसे विश्वविद्यालय है, यहाँ विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर 100-200 गांव एक नेटवर्किंग कर लें तो ये विद्यालय विश्व का वही आकार ले लेगा जिस आकार की कल्पना पहले से की गई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ कर यदि इस काम को करते हैं तो इसमें कोई भी लागत बाजार से नहीं होगी, महंगी नहीं है, मुश्किल है। जैसे कि मल्टीपल टाइप खेती होती है, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सी क्रॉप करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक खेती में क्या ऐसा आप यूज़ करते हैं जो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है? देखिए, इसमें प्रकृति के नियम में ये देखने से पता लगता है कि अनेक चीज़ें साथ साथ पैदा होती हैं। तो हमने अपनी खेती में 9-10-12 फसलों को एक साथ ले लिया। आधुनिक खेती में मोनोक्रॉपिंग है, उसमें एक ही फसल एक समय लगाते हैं। हम 9-10-12 फसल एक साथ लगाते हैं, लेकिन उसके लगाने का जो विज्ञान है वो समझना ज़रूरी है कि कितनी दूरी पर किस समय में किस बीज को लगाया जाएगा, वो किसके साथ कंपेनियन क्रॉप में है। और यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो चार तरीके से बढ़ जाता है। कोएग्जिस्टेंस में बढ़ जाता है, डाइवर्सिटी में बढ़ जाता है, डेंसिटी में बढ़ जाता है। उसी खेत में 40 फुट की फसल भी है, उसी खेत में जमीन के अंदर भी उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें एक और बढ़िया बात आ जाती है कि ये क्लाइमेट जोन के हिसाब से इसमें उन्हीं बीज परंपराओं को, उन्हीं पशुओं की वंश परंपरा को ध्यान दिया जाता है जो वहाँ के लिए उपयोगी है। ऑर्गेनिक खेती बहुत सरल है।